वेलकम टू अवर चैनल। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली मैं सोनीपत सिविल हॉस्पिटल में कुछ अपने टेस्ट वगैरह करवा के आया था। कुछ लिपिड पैरामीटर्स बढ़े हुए हैं, पर्टिकुलरली मेरा ट्राइग्लिसराइड है वो थोड़ा 289 के आसपास पहुंच चुका है। शायद मैं खाना खा के गया था, बिकॉज ऑफ दैट कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं। बट मुझे लग रहा है बिकॉज मैं आइडल रहा काफ़ी दिन से, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं किया, मूवमेंट कम रही है, एक्टिविटीज़ कम रही हैं, ज़्यादातर मेरी सीटिंग जॉब रही है। दैट्स वाई मुझे जहाँ तक लगता है कि ये प्रोफाइल जो मेरा लिपिड प्रोफाइल में कुछ चेंजेज आए हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि भी मैं अभी लगभग 15 दिन के अंदर मैं अपने इन प्रोफाइल के अंदर जो जो पैरामीटर्स चेंजेज आए हैं उन पैरामीटर्स को मैं चेंज कर दूंगा। उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करनी पड़ेगी और मैं कम से कम 15 दिन का चैलेंज ले रहा हूँ। मॉर्निंग में मैंने लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक का रनिंग किया था। उसके बाद में कल शाम को भी मैं लगभग 7-7.5 किलोमीटर तक मैं साइकिलिंग करके आया था। तो अभी मैं इसको चैलेंज को लेते हुए लगभग मुझे 4 से 5 किलोमीटर मॉर्निंग में रनिंग और शाम को 10 से 12 किलोमीटर इवनिंग में मुझे अपना साइकिलिंग करने का मैं टारगेट बना रहा हूँ। देखते हैं उसके बाद 15 दिन के बाद मैं अपने लिपिड प्रोफाइल चेक करवाऊंगा क्या क्या पैरामीटर चेंजेज आते हैं, देखते हैं। देखिए मेरी रिपोर्ट्स देखिए दोस्तों, अभी इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। ये वीडियो में दिखा देंगे ना, लगा देंगे गाइस, ये आपको वीडियो में मिल जाएगी। ये वीडियो में मेरी जो लिपिड प्रोफाइल की जो रिपोर्ट्स है वो मैं आपको अपने वीडियो में दिखा दूंगा, जो जो उसकी फोटो मैं स्क्रीनशॉट इसमें सेंड करता हूँ। आज मेरा लिपिड प्रोफाइल में के अंदर जो मेरा ट्राइग्लिसराइड है वो 289 है। हाँ, जो मेरा गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी 1 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है और बैड कोलेस्ट्रॉल 1 पॉइंट ऊपर बढ़ा हुआ है। तो अभी मुझे टारगेट करना है सिर्फ और सिर्फ अपने ट्राइग्लिसराइड को डिक्रीज करने पे। उसके लिए मुझे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अगर फिर भी 15 दिन तक इसके अंदर कोई चेंज ही नहीं आते तो मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ कि मैं अपने डाइट में और अपना डेली रूटीन में जैसे जैसे चेंजेस करूँगा तो डेफिनेटली जो मेरे लिपिड प्रोफाइल का जो जितने भी पैरामीटर्स हैं वो डेफिनेटली अपनी कंडीशन सही कंडीशन में आ जाएंगे। तो करते हैं स्टार्ट गाइस, मैं आज रनिंग पे जाऊंगा। लगभग मेरा टारगेट रहेगा आज कम से कम 8 किलोमीटर की, 4 किलोमीटर जाना और 4 किलोमीटर आना। तो कम से कम इतना मुझे आज साइकिलिंग करनी है गाइस। ठीक है गाइस, मिलते हैं। ठीक है गाइस, चलते हैं। और ये मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से जाने के लिए। सबसे पहले मेरे शूज दीजिए वीरू, वेयर आर माई शूज। बात तो सही है, सिर्फ तुझे क्यों? तुम दोनों कमाल हो सच्ची। बैग के बैठे फ्री में परफ्यूम मिल रहा था। ले लेना चाहिए। मेरी मम्मी कहती है स्नोफ्री लंच बॉल। कुछ भी चीजें फ्री नहीं होती दुनिया। कभी ना कभी उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और कौन है ये सीनियर जिसने सिर्फ मुझे गिफ्ट भेजा? क्या पर्पस है सॉक्स? मुझे सॉक्स दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों। ये हमारी साइकिल, मैं साइकिल लाने का पर्पज ही हमारा ये रहा था कि भी बच्चों के साथ साथ मैं भी अपनी एक्सरसाइज कर सकूं साइकिल के साथ। अभी थोड़ी धूप है और मुझे लग रहा है सही, अगर आपको स्वीट करना है तो थोड़ा धूप में भी हम कर सकते हैं, नो इशू, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके साथ। ये देखिए बाहर धूप है थोड़े से, अभी है आई थिंक इट्स द टाइट टाइम नाउ, 4 से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। वीरू, वीरू आर यू कमिंग? वीरू आ रहा है अभी। वीरू साथ साथ में रिकॉर्डिंग करता रहेगा और मैं आपको दिखाऊंगा मुझे मैं कहाँ कहाँ किस किस रूट पर जाऊंगा। अब वीर मेरे साथ चलेगा, निखिल अपने बाइक पे जाएगा, ये इसके साथ रहेगा, ये रिकॉर्डिंग करेगा। ठीक, अपने शूज वगैरह पहन के तैयार हो जाओ। बट इतना ज़रूरी भी है ताकि आप सही थोड़ी स्वीटिंग वगैरह हो जाए, पसीना आपको सही आ जाए। पापा
टीवी के। गाइस अभी हम चल पड़े हैं गाइस अभी है पापा पीछे अभी हम चला के आएंगे 10 किलोमीटर। साइकिलिंग यहाँ से स्लोमो बनाई साइड में लेके जाऊंगा पापा का बाइक स्लोमो में। चारों तरफ बैठा पोल भी ले अकेला होगा इस पे। गाइस गाइस ये देखिए कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पे है पापा कुछ बोलो। कितना हरा भरा है थोड़ा थोड़ा पसीना ना स्टार्ट हो गया है। क्यों जगह है इसके लग कनेक्ट कर ले फिर पूरी पापा पापा की सुनाई दे न्यू कितने नहीं सुनाई दे और सुना दे दे तो पापा न्यू करा उसने कान पर लाग रही आओगी ना बस